और बड़ी खबर आपको बता दें, अब बात पीएम मोदी के मन की बात की, जहां उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक बार फिर जवानों की तारीफ की है। पीएम ने कहा है कि जवानों पर पूरे देश को गर्व है। तो आपको बता दें कि पराक्रम दिवस मना रहा है इस वक्त हमारा देश, और इस बीच प्रधानमंत्री ने मन की बात में ये बात कही, जवानों को सलाम किया और साथ ही साथ पूरे देश को कहा कि हमें जवानों पर गर्व है, पूरे देश को जवानों पर गर्व है। आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया है हमारे जवानों ने। मन की बात में हमारे जवानों के पराक्रम, उनके शौर्य के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। आइए सुनते हैं। कल भारत के 125 करोड़ देशवासियों ने पराक्रम पर्व मनाया था। हमने 2016 में हुई उस सर्जिकल स्ट्राइक को याद किया, जब हमारे सैनिकों ने हमारे राष्ट्र पर आतंकवाद की आड़ में प्रॉक्सी वॉर की दुष्टता करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। देश में अलग अलग स्थानों पर हमारे सशस्त्र बलों ने एग्जीबिशंस लगाए, ताकि अधिक से अधिक देश के नागरिक, खासकर युवा पीढ़ी, यह जान सके कि हमारी ताकत क्या है, हम कितने सक्षम हैं और कैसे हमारे सैनिक अपनी जान जोखिम में डाल करके हम देशवासियों की रक्षा करते हैं। पराक्रम पर्व जैसा दिवस युवाओं को हमारी सशस्त्र सेना के गौरवपूर्ण विरासत की याद दिलाता है और देश की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हमें प्रेरित भी करता है। मैंने भी वीरों की भूमि राजस्थान के जोधपुर में एक कार्यक्रम में भाग लिया। अब यह तय हो चुका है कि हमारे सैनिक उन सबको मुंहतोड़ जवाब देंगे जो हमारे राष्ट्र में शांति व उन्नति के माहौल को नष्ट करने का प्रयास करेंगे। हम शांति में विश्वास करते हैं और इसे बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन सम्मान से समझौता करके और राष्ट्र की संप्रभुता की कीमत पर कतई नहीं। भारत सदा ही शांति के प्रति वचनबद्ध और समर्पित रहा है। 20वीं सदी में 2 विश्व युद्धों में हमारे 1 लाख से अधिक सैनिकों ने शांति के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, और यह तब जब हमारा उस युद्ध से कोई वास्ता नहीं था। हमारी नज़र किसी और की धरती पर कभी भी नहीं थी। यह तो शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।